पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि सागर को उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। नालियां खुदाई हो रही हैं तो भ्रष्टाचार, पाइपलाइन लग रही है तो भ्रष्टाचार, स्ट्रीट लाइट नहीं है। सागर के तालाब में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर 1600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, इसे हमारी जनता देख रही है। और मैं आपको निश्चिंत करती हूँ, आगे आने वाले समय में जो सागर को एक सुंदर और व्यवस्थित सागर बनाने की परिकल्पना हमारे सागर शहर की जनता के मन में है, मैं उसको परिपूर्ण करूँगी। मैं सागर की समझदार और देवतुल्य जनता से निवेदन करती हूँ कि कल मतदान के लिए अवश्य जाएं और अपना मतदान कांग्रेस के पंजे पर बटन दबाएं और सागर की जनता को एक खुशहाली और समृद्ध सागर के रूप में परिवर्तित करें।